शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमला, जरा दो गिलास पानी लाओ। अभी ला रही हूँ। नेहा, ये साड़ी पहन के आज कहाँ जा रही हो? वो भाभी, मैं आपको बताना भूल गई थी, आज मेरी एक सहेली का जन्मदिन है और उसने मुझे जन्मदिन पर बुलाया है। भाभी मैं जाऊं? ठीक है, जाओ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ, जाओ। रुको, सुनते हो? जी बोलिए डार्लिंग। जब ये अपनी फ्रेंड के जन्मदिन पे जा रही है तो उसे कुछ रुपये तो दे दो। ऑफ कोर्स डार्लिंग। भाभी, गुड। दो, तीन, चार, पाँच। भैया वो भी दे दीजिए ना। अभी यही ले लो ना। वो भी ले लो ना। यार एक ही तो बचा है। बाय भैया, बाय भाभी। अरे सुनो, भाई एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाना और अपनी सहेली को बोल देना हमारी तरफ से बर्थडे विश बिल्कुल अच्छी तरह से कर देना, ठीक है? जी भैया। सुनो तो सही बाबा, गिफ्ट अच्छा लेके जाना कि पता लगे कि राकेश मेहता की बहन किसी बर्थडे में आई है। और प्रीति की ननन। ओके, बाय बाय। कमला। जी साहब जी। जरा मेरा रूम साफ कर दो। ठीक है साहब जी। ओह माय गॉड, क्या बात है, आज 5 साल के बाद तुम इतने खुश नजर आ रहे हो। अरे डार्लिंग, खुश क्यों नहीं होऊंगा, बैंक ने हमारा 50 लाख का लोन पास कर दिया। ओह नाइस, क्या बात करते हो। डार्लिंग अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मतलब मैं जो मांगूंगी वो मुझे मिलेगा, है ना? हाँ? जो मांगूंगी तुम्हें वही मिलेगा। सच? सच। और विकी, क्या हो रहा है आजकल? क्या यार, कॉलेज में कोई लड़की नहीं पढ़ती यार। क्या बात कर रहा है, हमसे तो श्वेता की सेटिंग हो गई है और हनीमून की तैयारी भी हो रही है। नहीं यार, श्वेता तो मुझ पर लाइन मारती है। लाइन तुझको देती, प्यार तो मुझसे करती है। अजय, आजकल तुम मुझसे बहुत झूठ बोलने लगे हो। क्या झूठ बोला मैंने तुमसे? सबसे ये कहते फिर रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो इसमें झूठी क्या है, तुम भी तो मुझ पे मरती हो। श्वेता एक बात बोलूं, तुम अजय को छोड़कर मुझसे दोस्ती कर लो, फिर देखना कितना मजा आएगा। अरे नेहा को क्या हुआ, अभी तो बिल्कुल ठीक थी। अरे मैंने उसे फोन पे बात भी की, सब कुछ ठीक था अभी तक तो। चलो चलो देखते हैं। हाँ, क्या हुआ। अच्छा हो सर, तो तुम मुझे मिल गई, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ, क्या हुआ, बोल ना। अब तू ही मेरी मदद कर सकती है। वो
वो बात यहाँ नहीं कर सकती, कहीं और चलते ना। प्लीज नेहा, कोई बात नहीं, चल मेरे घर, वहाँ बैठ के आराम से सारी बातें करेंगे, ठीक है? ठीक है, चल चल, चल चलते। अच्छा अजय, विक्की, बाय बाय बाय। क्या हो गया यार इसको? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसे हो नेहा बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। रहता बेटे, हम लोग एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम घर का ख्याल रखना। जी मामा। चल बाय डैडी। बाय बाय। अब बता क्या बात है? तूने सच ही कहा था श्वेता कि जब किसी को किसी से प्यार होता है तो उसे कुछ पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है श्वेता। हाँ वही जो नहीं होना चाहिए था श्वेता, मुझे प्यार हो गया। प्यार? हाँ मुझे प्यार भी हो गया, और प्यार करने वाले के साथ दो जिस्मों का मिलन भी हो गया। कौन है वो? रवि। रवि को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, रवि अच्छा लड़का है। पहले मैं भी ऐसे ही समझती थी कि वो बहुत अच्छा लड़का है, मगर कल रात जब मैं उसके साथ पार्टी में गई तो। क्या रवि लेट हो गए? पार्टी शुरू होने वाली है। हाँ चलो 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 यार। वाह मेरी जान वाह, ये ले तेरी आज की कीमत। थैंक यू सेठ। प्लीज रवि अब चलो ना घर, भैया भाभी इंतजार कर रहे होंगे ना। ये क्या मजाक है यार? ये मजाक नहीं रवि, तुम जानते हो ना हम आपस में अपनी गर्लफ्रेंड बांटते आए हैं। क्यों रवि भूल गए? कितनी दफा हम तीनों ने इसी जगह पे एक साथ लंगड़लियां मनाई है। देव नेहा ऐसी लड़की नहीं है, मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ। सच्चा प्यार? तुम जैसे लोग कमाल है यार। बस अब अगर एक शब्द भी कहा ना तो हमारी दोस्ती यहीं खत्म। रवि मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? नेहा नेहा तुमने जो सुना है वो सब गलत है। नेहा सच तो ये है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। नेहा रवि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाने दो मुझे। प्लीज छोड़ो मुझे, घर जाने दो, मुझे कोई बात नहीं करनी है। नेहा प्लीज। रवि तुम्हें जो बात करनी है कल करना, आज मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। कमाल है, कैसी मोहब्बत है ये? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा देव। चलो कोई दूसरी देखते हैं कोई। हाँ चलो। ओह माय गॉड चल रही। नेहा तेरी आंखों में आंसू, हो सकता है रवि तुमसे सच्चा प्यार करता हो और वो सच कह रहा हो। और अगर रवि का प्यार झूठा हुआ तो समझ लेना मेरी जिंदगी में आजा की तरह तुम्हारी जिंदगी में रवि आ गया। ना हो कि तेरा घर बसने से पहले ही तेरे भैया भाभी का घर ना उजाड़ जाए। तुम ठीक कह रही हो श्वेता, मैं मेरे भैया को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उन्हें पता चला तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। गुड क्रिएटेड टू गुड माइंड, क्रिएटेड टू गुड माइंड। One amazing fast of life by the time you like lessons. लगता है वो आ गए। राकेश
निकल जा मेरे घर से, कहीं मैं तेरा खून ना कर दूं। लेकिन मेरा कसूर क्या है? कसूर? तू मुझसे कसूर पूछती है? जाओ हरामजादे अपने भाई से जाकर पूछ, जिसने मेरी भोली भाली बहन की इज्जत लूटकर अब वो भाग गया यहाँ से। ये तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब रवि ने यहाँ से चली जा और जाकर अपने उस भाई से पूछ कि सच क्या है और झूठ क्या है। चली जा, आउट।